नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के गोहलपुर थाना क्षेत्र न्यू नर्मदा नगर निवासी श्यामलाल यादव का 3.5 वर्षीय बेटे ने खेलते खेलते कुनैन की गोली का सेवन कर लिया और उसकी मौत हो गई। गोहलपुर पुलिस के मुताबिक मामला न्यू नर्मदा नगर का है। श्यामलाल यादव का 3.5 वर्षीय बेटा देवांश यादव 2 दिन पहले घर में खेलते खेलते अलमारी में रखी कुनैन की गोली टॉफी समझकर निकल गया। कुछ देर बाद उसकी हालत खराब हुई तो परिजनों को बदबू की जानकारी लगी। श्यामलाल बेटे को लेकर पास के अस्पताल पहुंचा, वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत ठीक बताकर घर भेज दिया, पर घर पहुंचने के बाद देवांश की हालत और बिगड़ने लगी। परिजन उसे फिर से अस्पताल लेकर भागे। मेडिकल में मासूम 2 दिन तक भर्ती रहा, इसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को PM के लिए भिजवा दिया है। हम दिखाते रहे खबर आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।